दी गई है। 15 से 23 जनवरी तक होनी थी ये परीक्षा और शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने इसकी जानकारी दी है। और इस वक्त हमारे सहयोगी मदन कलाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मदन, काफी गंभीरता से लिया है अभ्यर्थियों की मांग को शिक्षा मंत्री ने, जिसके बाद इस परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। जी दिव्या, करीब 10 लाख अभ्यर्थियों से जुड़ा हुआ मामला और बहुत ही पेचीदा होता जा रहा था, क्योंकि प्रदेश भर में आंदोलन चल रहे थे और अभ्यर्थियों की मांग थी कि इस परीक्षा को स्थगित करके आगे सरकाया जाए। सरकार पर भी दबाव था इस परीक्षा को स्थगित करने को लेकर, और राजस्थान यूनिवर्सिटी में लगातार प्रदर्शन हो रहे पिछले कई दिनों से, बीजेपी के कई नेता लगातार अभ्यर्थियों के साथ में जुड़े हुए थे, तो कुल मिलाकर इसे लेकर लगातार दबाव बन रहा था सरकार पर। तो गोविंद सिंह डोटासरा ने लंबी चर्चा की थी कल रात, सीएम उसमें शामिल थे, इसके अलावा आरपीएससी के जो अध्यक्ष थे वो शामिल थे, तो इसके बाद में ये फैसला किया गया है और नई तिथियां जल्द घोषित की जाएगी। फिलहाल हम पीसीसी में, जहां पर 7 तारीख को आरपीएससी गैराज की चेतावनी दी थी उपेन ने, और ये इस वक्त सचिन पायलट और मुख्यमंत्री का आभार जताने के लिए आए। उपेन, किस तरह का पेचीदा मामला था और अब आप यहाँ क्या करने के लिए आए हुए? देखो, मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी जो युवा हैं, युवाओं की बात मानी, और शिक्षा मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, 9 लाख अभ्यर्थियों को राहत मिली, क्योंकि भाजपा सरकार ने रेवड़ियां बांटी थी जिस प्रकार भाजपा नेता के आप दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने लास्ट समय में भर्तियां निकाली लेकिन बेरोजगार तैयारी नहीं कर पा रहे थे। बेरोजगारों की मांग की थी भर्ती परीक्षा आगे बढ़ाई जाए, तो आज वर्तमान सरकार ने बेरोजगारों की मांगों को माना, शानदार तोहफा दिया है, उनकी मांग मानी, पूर्व में 7,000 लोगों को ज्वाइनिंग दी है आते ही, और अब ये बढ़ाई है। इसके अलावा रीट 26,000 की सुनवाई है, उसमें भी जिस प्रकार सरकार बेरोजगारों के हित में काम कर रही है, बड़ा निर्णय लिया है, बेरोजगारों की मांगों को माना है। उपेन, क्या चाहते हैं, कब तक ये परीक्षा हो? देखो, परीक्षा की तिथि लगभग 2-3 महीने तो बेरोजगारों को समय चाहिए तैयारी का, 2-3 महीने बाद इसकी एग्जाम करवाई जाए जिससे बेरोजगारों को नौकरी मिल सके, क्योंकि लगातार पिछली सरकार ने इतनी भर्तियां निकाली, आज भी कोर्ट में लंबित है, जैसे रीट लेवल प्रथम 26,000 पदों पर आज भी लंबित है, क्योंकि भर्तियां तो निकाली जाती है लेकिन उसमें कई पेचीदगियां छोड़ दी जाती है। वर्तमान सरकार से भी ये निवेदन है कि इसमें जितनी पेचीदगियां हैं, जो आने वाले समय जो भर्तियां हैं जो लंबित है, उनकी दूर करके जल्द से जल्द बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए। बिल्कुल मदन, देखिए, क्योंकि तकरीबन 10 लाख अभ्यर्थी जो हैं उनको इस परीक्षा में बैठना था, और बार बार वो इस बात का जिक्र कर रहे थे कि जनवरी के महीने में 3 परीक्षाएं और होनी है और उनके लिए प्रिपरेशन का वक्त नहीं मिलेगा। अब ये कहें कि कम से कम थोड़ा वक्त मिल जाएगा तैयारी करने के लिए उन्हें, एक बड़ी राहत। जी बिल्कुल, प्रदेश भर के जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने परीक्षा के लिए आवेदन किया था, उनके रिश्तेदार ने, उनके परिवारजन है, उनमें हर्ष की लहर है, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार प्रदर्शन का दौर जारी रहा था। फर्स्ट इंडिया के मार्फत हम बता रहे थे राजस्थान यूनिवर्सिटी में किस तरह का माहौल बना हुआ है, और इस कड़ाके की ठंड में भी अभ्यर्थी मुख्य द्वार पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा उपेन जो है, उन्होंने बेरोजगार संघ के नेतृत्व में आरपीएससी के 7 तारीख को घेराव की चेतावनी दी थी। इस लिहाज से देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है, करीब 10 लाख अभ्यर्थियों को राहत देने वाला फैसला है। जी चलिए, शुक्रिया आपका मदन इस जानकारी।